मुजफ्फरपुर शहर के चक्कर स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की आवास पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक हुई। बैठक में फ्रंट के आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं फ्रंट के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि संगठन के विस्तार के लिए राज्य के सभी 38 जिले में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद में महानगर का संगठन तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन इस वर्ष 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगा। संगठन समाज की मजबूती प्रदान करने के लिए हर दिशा में कार्य करेगा। 9 फरवरी 2022 को राज्य कार्यकारिणी की बैठक पटना सिटी स्थित भूमि विकास बैंक के हॉल में की जाएगी। फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि जिस तरह से समाज की राजनीतिक उपेक्षा हो रही है, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। जो नए 262 बनाए गए हैं, उन सबों में हमारी कमेटी रहे और उसके भी विकास के काम में इस भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की सहभागिता प्रॉपर ढंग से होती रहे, इसके लिए इस पर भी आज विचार विमर्श किया गया है। और यह काम भी आज मुजफ्फरपुर से हम लोगों ने इसका शुरुआत किया है। इसके लिए सबसे ज़रूरी आज पंचमी के दिन यानी 5 तारीख के इस सामाजिक फ्रंट का हम लोग सदस्यता अभियान का शुरुआत मुजफ्फरपुर से करेंगे और ये पूरे बिहार के अंदर 3800 जिला में उस दिन इसकी सूचना जाएगी जा रही है कि वो सब जगह सदस्यता अभियान बसंत पंचमी के दिन ही शुरू होगा, ताकि बसंत पंचमी के साथ एक हर्ष उल्लास के साथ यह भूमिहार सामाजिक फ्रंट की जो स्थापना हुई है उसमें लोग मेंबर बने। और इसके अलावा हम लोग चाहते हैं मार्च में, हम लोग मार्च में 1.5 लाख आदमी पूरे बिहार से हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में और संभवतः साइंस कॉलेज में ही हम एक बड़ी सभा यानी उसको महाकुंभ के रूप में हम शंखनाद करना चाहते हैं, जिसकी तैयारी भी 3800 जिला में बसंत पंचमी के रोज शुरू हो जाएगा। और 1.5 लाख से कम नहीं, उससे ज़्यादा आदमी, यह जहाँ से हम लोगों ने इस सामाजिक फ्रंट का शुरुआत किया था महेश सिंह साइंस कॉलेज से, वहीं पर यह कुंभ का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख आदमी डेलीगेट्स हर जिला से आएंगे। और इसमें हमारे बिहार के अलावा भी कुछ प्रमुख लोग इस समाज से जो राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों का भी समागम यहाँ होगा। इसलिए आज आप लोगों को हम इस नए वर्ष की शुभकामना के साथ इस फ्रंट का जो ऑर्गेनाइजेशन बना है उसको जो है सो हम आपके बीच में रखे हैं, ताकि इससे जो समाज को लाभ मिलने वाला है हर क्षेत्र में, इसमें हम लोग ये भी करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने मेधावी छात्रों को किस तरह से एडुकेट करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का जो आगामी कार्यक्रम है इसके बारे में बताया है। इस के इतर हम कुछ बात आपके सामने रखना चाहते हैं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट 2022 में पूरे बिहार के अंदर 1.5 लाख सदस्य, सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बसंत पंचमी के रोज मुजफ्फरपुर से किया जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, हमारे फ्रंट का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि पुरखों के विरासत को पुनर्स्थापित करना। क्योंकि हमारे जो पुरखे थे वो जहां भी थे वो नेतृत्व कर रहे थे, आज सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारे समाज को काफी नजरअंदाज किया गया है और इस समाज को पिछलग्गु समाज के रूप में कुछ राजनीतिक दल के द्वारा देखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का गठन हुआ है। और आपको बता दें कि हमें न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज को
चुनाव के अंदर प्राथमिकता देगी, हमारा समाज उसके साथ होगा। अभी जो पैरामीटर है, यह विधान परिषद का 24 सीट का बिहार का चुनाव है, इसको हम लोगों ने पैरामीटर के रूप में देखा रखा है। जिस पार्टी के द्वारा हमारे समाज से अधिक उम्मीदवारी दिया जाएगा पूरे राज्य के अंदर, हम उसे वोट करेंगे, चाहे वो आरजेडी क्यों न हो।